नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। अभी अभी खबरों का रुख कर लेते हैं। आज देश भर में मुहर्रम मनाया जा रहा है और कोरोना महामारी के बीच मुहर्रम को लेकर देश के अलग अलग राज्य सरकारों ने गाइडलाइंस जारी की हैं। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए मुहर्रम में ताजिया और जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी गई है, साथ ही धार्मिक जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि सरकारों ने घरों के अंदर ताजिया और मजलिस स्थापित करने की अनुमति दी है। वहीं मुहर्रम को लेकर सरकार द्वारा जारी इन गाइडलाइंस का मकसद जुलूस में होने वाली भीड़ को कम करना और कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकना है। आइए अब आपको ये बता देते हैं कि मुहर्रम को लेकर किस राज्य ने क्या गाइडलाइन जारी की है। दरअसल मुहर्रम को लेकर यूपी सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक धार्मिक कार्यों के लिए किसी भी स्थान पर 50 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं होंगे, साथ ही लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का भी कड़ाई से पालन करना होगा। वहीं बता दें, कोरोना महामारी के चलते सार्वजनिक रूप से ताजिया स्थापित नहीं किए जाएंगे और ताजिया अपने अपने घरों में ही स्थापित कर और किसी प्रकार की रोक नहीं रहेगी। इसके अलावा संवेदनशील और कंटेनमेंट जोन में पर्याप्त संख्या में पुलिस की तैनाती भी की जाएगी। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारी ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी जुड़ चुके हैं। रूबी, आज मुहर्रम देश भर में मनाया जा रहा है, कैसी तैयारियां हैं लखनऊ में? जी पारुल, बता दूं सबसे पहले कि जिस मुहर्रम की पहली तारीख से लेकर आज 10वीं तारीख है, लगातार पुलिस जो है वो अपने हाथ में कमान ले रखी है। लखनऊ में कुछ सेंसिटिव इलाके हैं, जैसे पुराना लखनऊ जो है वो नखास है, शादा जैसे है, वजीरगंज है, अहमदाबाद है, इन जगहों पे खास तौर पर नजर बना के रखी गई है। जी, कुछ टाइम पहले भी कमिश्नर ने एक अलर्ट यही किया था कि ट्रुप की निगरानी की जाएगी, रात भर गश्त किया जा रहा है और उसके साथ ही साथ यहाँ के जो लोकल पुलिस है उन सभी लोगों को जोन में बांट दिया गया है। यानी कि जो पुराने इलाके हैं उन जगहों पर खास पैनी नजर बना के रखी गई है और कुछ टाइम पहले क्योंकि कुछ विवाद भी हो चुके थे ताजिया को दफन करने के लिए, तो उसके बाद ही एक ऐलान भी ये किया गया था कि हम जो ताजिया है यानी कि जो यहाँ का इमामबाड़ा है वहाँ पे नहीं पहुंचा जाएगा, यानी कि वहाँ पे जितने लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए। तो जो मौलाना शिया धर्म गुरु है कल्बे जवाब हो या यासुब अब्बास हो, इन लोगों ने भी एक अपना अपना विज्ञप्ति डीएम को दिया था, उसके उन्होंने कहा था कि ठीक है हम इकट्ठा नहीं हो पाएंगे लेकिन घर घर में ताजिया जो है उसको रखा जाएगा और जो मजलिसें होती हैं उनको भी हम कर सकते हैं। तो सरकार की तरफ से भी गाइडलाइन तैयार की गई थी पहले से भी कि जो मुहर्रम है खासतौर से पुलिस के लिए भी काफी बड़ी चुनौती है। दो त्यौहार एक साथ है, मुहर्रम के साथ साथ रक्षाबंधन की करीब आ रहा है, जन्माष्टमी भी करीब आ रहा है, तो ऐसे में ये देखना बहुत है कि चुनौती किस तरीके से ले रही है सरकार और साथ ही साथ सरकार की तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं बिल्कुल रूबी। और देखिए, सरकार की गाइडलाइंस में ये भी कहा गया था कि जो ताजिया का जुलूस है वो नहीं निकाला जाएगा, लेकिन भीड़ रोकने के लिए पुलिस की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? भीड़ रोकने के लिए यहाँ पे बैरिकेडिंग का इंतजाम किया गया, खासतौर से इमामबाड़ा जहाँ पे सबसे बड़ा मजलिस मानी जाती है, यहीं पे सबसे ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं। तो लखनऊ टीले ने मस्जिद से लेके शैदरी की मस्जिद हो और इमामबाड़ा हो यहाँ सब जगहों पे पुलिस ने चार जोन में डिवाइड कर दिए गए और हर जगह पे एक एक बैरिकेडिंग लगा दिया गया ताकि कोई बड़े वाहन हो या छोटे वाहन हो उनकी एंट्री ना हो सके। पैदल चलने वालों के लिए एक अलग से रास्ता दे दिया गया है कि आप उन रास्तों को अपनाएं, गाड़ियों का बिल्कुल आना जाना मना कर दिया गया है, मीडिया भी क्यों ना हो उनको फिर दूरी बनाकर रखने के लिए कहा गया है, दूर से ही आप लोग आए और आप जब कवरेज करना है तो आपको अंदर पैदल ही आना होगा। तो साफ दिख रहा है कि पुलिस जो है वो काफी सक्रिय है, सतर्क है और रात भर हो या सुबह हो लगातार पैदल जो मार्च है वो करते चल रहे हैं। पुलिस जो है वो इस तरीके से चुनौती पूरी तरीके से अभी है कि ये जो आज मुहर्रम का दिन है यानी कि 10वीं का जो दिन है वो किसी तरीके से भी शांतिपूर्ण निपट जाए। बिल्कुल रूबी, यानी कि पुलिस जो है वो पूरी तरह से सतर्क है और लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल्स का लगातार पालन कराया जा रहा है। बिल्कुल पारुल, कुछ टाइम पहले कमिश्नर से बात भी हुई थी, कमिश्नर ने ये भी कहा हमारे चैनल के माध्यम से कि हम खास तौर से मुहर्रम को लेकर ज्यादा सक्रिय हैं क्योंकि ऐसे में विवाद कई हो जाते हैं, कहीं कहीं ताजा निकलते हैं तो उन जगहों पे झड़प भी हो जाती है, तो ऐसे जगहों पे खास तौर से निगरानी रखने के लिए
हमने पुलिस को अभी से ही अपने टीमों में बांट दिया है, यानी कि ड्रोन की निगरानी की जा रही है। यहाँ के जो लोकल पुलिस है उसको पूरी तरीके मुस्तैदी के साथ चौराहे चौराहों पे खड़ा कर दिया गया है। हर एक चौराहे पे कम से कम लोगों के लोग इकट्ठा हो, इसके लिए खास निर्देश दे दिए गए हैं। और जिस जगह पे ताजे निकली गई उस जगह पर खास निगरानी के नजरबंदी में रखा गया है। जी चलिए रूबी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आज देश भर में मुहर्रम मनाया जा रहा है और ऐसे में तमाम राज्यों ने गाइडलाइंस जारी की हैं। यूपी में भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं और ऐसे में बिहार सरकार ने भी कोरोना को ध्यान में रखते हुए मुहर्रम के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। और बता दें, जारी गाइडलाइंस के मुताबिक इस बार मुहर्रम पर कोई भी जुलूस या ताजिया सड़क पर नहीं निकाला जाएगा, ये इसका ऐलान पहले ही कर दिया गया था। वहीं सार्वजनिक रूप से ताजिया और अलम स्थापित करने पर भी रोक रहेगी। हालांकि लोग ताजिया और अलम अपने घरों में ही स्थापित कर सकते हैं। और साथ ही बता दें, धार्मिक और संवेदनशील जगहों पर लगातार पुलिस बल पर्याप्त संख्या में तैनात किया गया है। चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, इन तमाम राज्यों में अलग अलग गाइडलाइंस जारी की गई हैं। ऐसे में झारखंड सरकार ने भी दिशा निर्देश जारी किए हैं और दिशा निर्देश जारी करते हुए उन्होंने बताया है कि कोरोना के संभावित तीसरे लहर को देखते हुए इस बार मुहर्रम में अपने अपने इमामबाड़ा अखाड़ा में खेल प्रदर्शन नहीं किया जाएगा और लोग सार्वजनिक स्थान और भीड़ वाले इलाकों में ताजिया और आलम की स्थापना नहीं कर सकेंगे। ये ऐलान पहले ही झारखंड सरकार ने कर दिया था। और बता दें, इसके अलावा ताजिया और जुलूस निकालने पर भी झारखंड सरकार ने रोक लगा दी है। तो यानी कि उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो, झारखंड हो, इसके अलावा देश के कई राज्यों की सरकारों ने मुहर्रम को लेकर गाइडलाइंस पहले से ही जारी कर दी थी। और ज़्यादातर राज्य सरकारों ने इस बार कोरोना के संभावित तीसरी लहर को देखते हुए ताजिया और अलम की सार्वजनिक स्थापना पर रोक लगा दी है। और साथ ही बता दें, इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद ने के नाती हजरत इमाम हुसैन को इसी मुहर्रम के महीने में करबला की जंग में परिवार और दोस्तों के साथ शहीद कर दिया था, तभी से मुहर्रम मनाया जाता है। तो चलिए ज्यादा जानकारी के साथ, उत्तराखंड में क्या तैयारियां हैं मुहर्रम को लेकर, इसको लेकर इंतजार रजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंतजार, क्या कुछ तैयारियां हैं मुहर्रम को लेकर हरिद्वार में? मुस्लिम समुदाय का एक गमगीन तरीके का ये पर्व है जिसको उत्तराखंड या पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सरकार द्वारा SOP जारी कर दी गई है और इसकी जो सार्वजनिक जुलूस है और अन्य जो परंपराएं हैं सभी पर रोक लगा दी गई है। और एक सांकेतिक तरीके से सिर्फ मनाने के लिए ताजिया पर्व के लिए जो आदेश है और SOP जारी की गई, तो उसी के अनुसार ताजिया पर्व इस बार लोगों को मनाना होगा। और उत्तराखंड में जैसे ताजिया लोग मनाते थे और जुलूस वगैरह निकाले जाते थे, तो सभी पर रोक लगा दी गई है उत्तराखंड सरकार की तरफ से। जी इंतजार, लेकिन देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती इसलिए है उत्तराखंड सरकार के लिए क्योंकि देखिए लगातार भीड़ जुड़ने की बात सामने आ रही थी कि जुलूस निकाला जाएगा, हालांकि सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दिए। उत्तराखंड में क्या गाइडलाइंस जारी की गई है, क्या उत्तराखंड में भी जुलूस निकालने पर रोक है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं, जो उत्तराखंड में जो ताजेदारी होती थी, पहले जुलूस निकाले जाते थे, नगाड़े ढोल तमाशे सभी मेले लगाए जाते थे, लेकिन इस बार उत्तराखंड सरकार की ओर से जुलूस निकालने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है और केवल सांकेतिक तरीके से, और जो ताजे की मुहर्रम की जो प्रतिमाएं बनाई गई है उनको दो चार लोग ही लेकर के जो उनका गंतव्य स्थान है, जो अंतिम जो दफनाने की जो कार्य क्रियाकलाप है, जो अन्य धार्मिक परंपराएं उनको की जानी है, लेकिन जो जुलूस वगैरह है सभी पर उत्तराखंड सरकार की ओर से रोक लगा दी गई है। जी जी इंतजार, और देखिए तमाम जगह से कई बार हर साल ऐसी तस्वीरें देखी जाती हैं कि कहीं पे झगड़ा हो जाता है, कहीं पे आपस में लोग भिड़ जाते हैं, तो उसको लेकर संवेदनशील जगहों का खासा ध्यान रखा जाता है। तो इस बार सुरक्षा के संवेदनशील इलाकों में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? जी बताना चाहूंगा, जो इस तरह के जो उत्तराखंड में जहाँ जहाँ भी इस तरह की संवेदनशील जगह है जहाँ झगड़ों की आशंका होती है वहाँ सुरक्षा एजेंसियां तैनात की गई हैं और पुलिस बल तैनात किया गया है, और जो जगह इस तरह की है वो पहले से चिन्हित हो जाती है कि ये जो जगह है जहाँ झगड़ों की और अन्य जो दंगे हैं उनकी आशंका रहती है, तो उन्हीं को पुलिस द्वारा चिन्हित करके वहाँ पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। जी
जी इंतजार। और देखिए उत्तराखंड में एक बहुत बड़ी चुनौती भी इसलिए है कि लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन कराया जाएगा, क्योंकि देखिए इससे पहले कुंभ भी हुआ था, उसके बाद ये सावन का महीना आया था, कांवड़ लेने पर भी प्रतिबंध लगाया गया था, हालांकि उसके बाद भी कई लोग पहुंचे थे। अब ऐसे में जुलूस पर भी पाबंदी लगाई गई है, मुहर्रम आज मनाया जा रहा है, तो उसको लेकर तमाम गाइडलाइंस जारी की, तो यानी कि चुनौती बहुत बड़ी है। लगातार त्यौहार आ रहे हैं, आने वाले दिनों में रक्षाबंधन का त्यौहार भी है, जन्माष्टमी का त्यौहार भी है, तो किस तरह से लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन कराया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा जो उत्तराखंड सरकार की जो तैयारियां हैं, वो जो कोरोना की तीसरी लहर संक्रमण से बचाव के लिए जो तैयारियां हैं, जो एसओपी जारी की गई है, चाहे किसी भी तरह के पर्व हो, सभी को लेकर फिलहाल जो उत्तराखंड सरकार की तरफ से पूर्ण तरीके से जो सार्वजनिक और अन्य जो जुलूस मेले वगैरह जो होते थे, सभी पर रोक लगाई गई है, क्योंकि कोरोना का जो तीसरी लहर है उसके संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड में कहीं ना कहीं इस तरह केस निकलते हुए आ रहे हैं, तो उसी से बचाव के लिए जो भी स्वास्थ्य कर्मी है या स्वास्थ्य प्रशासन है, सभी को अलर्ट किया हुआ है, और जगह जगह जो कोरोना की जो जांच है उनको लेकर के जगह जगह कैंप लगाए गए हैं, और हर जगह वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है, और जो सुरक्षा एजेंसियां उनको भी तैनात किया गया है। लेकिन जो त्योहार है, किसी चाहे वो रक्षाबंधन का त्योहार हो, चाहे जन्माष्टमी का त्योहार, चाहे फिलहाल जो आज मनाया जा रहा है, चाहे मुहर्रम का त्योहार, सभी के जो जुलूस निकालने पर पूर्णतः सरकार की तरफ से रोक लगाई गई है, ताकि लोगों को जो कोरोना का जो संक्रमण है उससे ही बचाया जा सके, और जो सार्वजनिक जुलूस थे सभी पर रोक उत्तराखंड सरकार की तरफ से लगा दी गई है। जी बिल्कुल इंतजार। देखिए एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अक्सर जो होता है ऐसे पर्व होते हैं, त्योहार होते हैं, तो सरकार और प्रशासन की तरफ से गाइडलाइंस जो है वो जारी कर दी जाती है, लेकिन अक्सर हम ऐसी तस्वीरें देखते हैं कि आम जनता जो होती है वो गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं करती, उसका उल्लंघन करते हुए नजर आती है, तो आज कैसी तस्वीर है हरिद्वार या पूरे उत्तराखंड की बात की जाए तो क्या लोग कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं? जी देखिए बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कांवड़ यात्रा थी तो कांवड़ यात्राओं पर भी सरकार द्वारा रोक लगा दी गई थी, लेकिन जो लोग इसका उल्लंघन कर रहे थे, तो ऐसे कांवड़ यात्री यहाँ पर पहुंच रहे थे और कोरोना प्रोटोकॉल की जो उल्लंघन कर रहे थे, उन सभी के ऊपर आपदा अधिनियम में सरकार की तरफ से जो मुकदमे दर्ज किए गए थे, तो उसी संबंध में आज भी यदि ऐसे लोग इस तरह की गतिविधियां सामने आती हैं और लोग प्रोटोकॉल का जो है पालन नहीं करते हैं, तो उन्हें भी जो आपदा अधिनियम है उसकी कार्रवाई को झेलना होगा, और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है कि किसी भी तरह की एसओपी की जो साथ जो छेड़खानी होगी या कोई अन्य आदमी है जो इस तरह जो सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस को नहीं मानेगा या इसका उल्लंघन करेगा, तो उसके खिलाफ तुरंत कानूनी जो कार्रवाई है वो की जाएगी। जी जी चलिए इंतजार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड से हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे इंतजार रजा, जो लगातार जानकारी दे रहे थे। उत्तराखंड में भी मुहर्रम को लेकर सरकार की तरफ से एसओपी जारी की गई है, गाइडलाइंस जारी की गई है, और उसमें लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करने की अपील की गई है, और ऐसे में जुलूस पर भी पाबंदी लगाई गई है, जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी गई है। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के अलावा देश के कई राज्यों की सरकारों ने भी मुहर्रम को लेकर गाइडलाइंस जो हैं वो जारी की है, और ज़्यादातर राज्य सरकारों ने इस बार कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए ताजिया और अलम की सार्वजनिक स्थापना पर रोक लगा दी है, यानी कि बता दें कि तमाम जगहों पर तमाम राज्य सरकारों ने ताजिया पर और जुलूस पर रोक लगा दी है, और लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों में ही इसको करें और ताजिया लगाएं घरों में ही, और जुलूस जो है वो ना निकालें, और देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जो हैं वो जारी की गई है, चाहे वो उत्तराखंड की बात कर ली जाए, यूपी की बात कर ली जाए, बिहार हो, झारखंड हो, और ऐसे में देखिए आपको ये बता देते हैं कि मान्यता क्या है, मुहर्रम क्यों आखिर मनाया जाता है। दरअसल इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद के नाती हजरत इमाम हुसैन की इसी मुहर्रम के महीने में कर्बला की जंग में परिवार और दोस्तों के साथ उन्हें शहीद कर दिया गया था। कर्बला की ये जंग हजरत इमाम हुसैन और बादशाह यजीद की सेना के बीच हुई थी, और इस्लामिक मान्यताओं में मुहर्रम के महीने में 10वें दिन ही इस्लाम की रक्षा के लिए हजरत इमाम हुसैन ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। इसे आशूरा भी कहा जाता है, और इसीलिए मुहर्रम के 10वें दिन को बहुत खास माना जाता है। और साथ ही बता दें, हालांकि मुहर्रम को लेकर
19 अगस्त का दिन तय किया गया था, यानी कि कल का दिन तय किया गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने जामा मस्जिद के चांद देखने की सूचना पर बताया कि मुहर्रम 20 अगस्त यानी कि आज मनाया जाएगा और इसीलिए मुहर्रम की सरकारी छुट्टी को भी 19 अगस्त की जगह 20 अगस्त को कर दिया गया था। हालांकि कई राज्यों में मुहर्रम की छुट्टी को लेकर असमंजस बना हुआ था और इसी के बीच आंध्र प्रदेश सरकार ने भी एक नोटिस जारी कर स्पष्ट कर दिया था कि मुहर्रम की छुट्टी 19 अगस्त की जगह 20 अगस्त को होगी। चलिए बरेली से पवन कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, क्या बरेली में नजारा है मुहर्रम को लेकर, क्या कुछ तैयारी है, पुलिस प्रशासन किस तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है? जी, बताना चाहूंगा आपको, मौसम को लेकर तैयारियां कंप्लीट शुरू कर दी गई हैं, साथ ही लोग रात में ही शरीयत के लिए इमामबाड़ों पर जा रहे हैं और प्रोटोकॉल जिस तरह से कोविड का दिया गया है उस तरह से तमाम जगहों पर भीड़ लगाने के निर्देश दे दिए हैं कि भीड़ कोई भी नहीं लगाएगा। और अगर बात करें कमेटी की, तो कमेटी ने ऑर्डर दिए हैं कि ये जो ताजिए दफ्तर दिए जाएंगे उन्हें लेकर कुछ ही लोग जा पाएंगे। जी जी पवन, किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि देखिए बहुत बड़ी चुनौती ये है कि लोगों को ये तो कह दिया गया है कि कोरोना के गाइडलाइंस का पालन आपको करना है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि लोग गाइडलाइंस का पालन नहीं करते, तो किस तरह से पुलिस प्रशासन लोगों से पालन करवा रहा है गाइडलाइंस का? जी, आपको बताना चाहूंगा जितने भी कर्फ्यू के क्षेत्र हैं या अदर क्षेत्र हैं उनमें पुलिस की मुस्तैदी तैनात कर दी गई है और जहाँ ये कोरोना में ताजिए दफन किए जाएंगे वहाँ पर भी पुलिस हर तरह की मुस्तैद कर दी गई है और दूसरों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, कुछ ही लोग जो है उनको लेकर जा पाएंगे और उनको दफन कर दें। जी चलिए पवन, तमाम जानकारी के लिए। तो आज देश भर में मुहर्रम मनाया जा रहा है, ऐसे में उत्तराखंड सरकार, यूपी सरकार, झारखंड सरकार, बिहार सरकार, तमाम राज्यों की सरकार ने गाइडलाइंस जो हैं वो जारी की है और ऐसे में जुलूस पर हर राज्य सरकार ने पाबंदी लगाई है। लोगों से अपील की है कि किसी भी जगह पर भीड़ इकट्ठी ना हो और साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर के दृष्टता महंत धर्मदास ने राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय सहित सभी ट्रस्टी, विधायक दीप नारायण उपाध्याय और अयोध्या के मेयर के भतीजे ऋषिकेश उपाध्याय और फैजाबाद तहसील के सब रजिस्ट्रार के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इसी शिकायत में महंत ने राम मंदिर के लिए जमीन की खरीद फरोख्त में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और नजूल की जमीन खरीदने के लिए भगवान राम के भक्तों द्वारा दी गई राशि का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया है। ऐसे में राम मंदिर मामले में हिंदू पक्ष के पक्षकार रहे धर्मदास की ओर से लगाया गया यह आरोप काफी गंभीर है कि राम मंदिर निर्माण के लिए जो धन एकत्रित हुआ है ट्रस्ट उसका दुरुपयोग कर रहा है और इसके साथ ही नजूल जमीनों में धांधली का आरोप भी गंभीर है। दरअसल नजूल जमीन ऐसी जमीनें हैं जिन्हें खरीदने और बेचने का अधिकार सिर्फ सरकार के पास है और महंत धर्मदास की ओर से की गई शिकायत के बाद रामलला के मंदिर निर्माण के लिए जमीन का विवाद फिर से तेज हो गया है। आपको बता दें कि धर्मदास दिवंगत महंत राम अभिराम दास के शिष्य हैं जिन्होंने कथित तौर पर 22 दिसंबर 1949 की मध्य रात्रि को विवादित ढांचे के अंदर मूर्तियों को रखा था। राम मंदिर आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा और राम जन्मभूमि शीर्षक मुकदमे में हिंदू पक्ष के मुख्य वादियों में एक दास ने राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई है। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, क्या कुछ नया अपडेट है, लगातार राम मंदिर का विवाद में जो है नया मोड़ सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए पारुल, आपको पता है 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, उसके बाद से आरोप प्रत्यारोप का दो यहाँ पर शुरू हो गया था। राम मंदिर का निर्माण जब से शुरू हुआ इसमें कई बार ये चंपत राय पर आरोप लग चुके हैं और आपने देखा होगा पहले भी संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं उन्होंने भी आरोप लगाया था और इससे पहले पवन पांडे ने भी आरोप लगाया था, लेकिन इस बार का जो आरोप लगा है बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण दिखता है क्योंकि ये निर्माणी अखाड़े के महंत है धर्मदास जी जिन्होंने ये आरोप लगाया है और उन्होंने सीधे तौर पर चंपत राय और चार लोगों के नाम सीधे शिकायत दर्ज की है, जिसमें सबसे पहले मैं आपको नाम बताना चाहूंगा, चंपत राय है और दूसरे इसमें अनिल मिश्रा है और एक अयोध्या के मेयर के भतीजे दीप नारायण राम पल्लव पूजा, ये दो भतीजे हैं उसके और राम ये राजकुमार दास हैं और एक सब रजिस्ट्रार है जो ये लोग इसमें शामिल है। हालांकि
इससे पहले भी ये जो आरोप लगा था तो इसमें जो ट्रस्ट ने ये दावा किया था कि जो विशेषज्ञ की इनकी टीम है उन्होंने इसकी जांच कराई थी, इसमें इससे संबंधित कोई भी अनियमितताओं का कोई सबूत उन्हें नहीं मिला था। जी, लेकिन इस बार का आरोप सब कुछ अलग है और इसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर बोला भी है कि अयोध्या की नगरी है और इसकी जो इसको चलाने की जिम्मेदारी जो धर्म गुरुओं को दी जाए। जी प्रमोद, लेकिन जिस तरह से देखा जाए हर रोज नया मोड़ इसमें सामने आ रहा है, नया विवाद खड़ा हो रहा है। इस तरह के धांधली का आरोप आखिर लग क्यों रहा है? क्योंकि देखिए ऐसे आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी नजदीक आने वाले हैं, तो क्या इसे उससे जोड़कर देखा जा सकता है? जी जी चलिए प्रमोद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें राम मंदिर जन्मभूमि विवाद में नया मोड़ सामने आ गया है। दरअसल अब महंत ने धांधली का आरोप लगाया है, हालांकि इससे पहले जमीन में खरीद फरोख्त का मामला भी सामने आया था और उससे पहले बता दें तमाम ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, अब धांधली का ये आरोप लग रहा है। ऐसे में कई सवाल खड़े हो जाते हैं क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी नजदीक आने वाले हैं और सबसे मेन मुद्दा जो है कहे ये हो सकता है राम मंदिर में जिस तरह का विवाद जो है वो सामने आता जा रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का कल्याण मोदी सरकार में ही हो रहा है। कांग्रेस ने हमेशा पिछड़ा वर्ग को वोट बैंक की नजर से देखा लेकिन उनके कल्याण के लिए कोई काम नहीं किया है। यही वजह है कि पिछड़ों को आरक्षण के लिए करीब 40 साल तक लंबा इंतजार करना पड़ा और उन्हें 1990 में आरक्षण का लाभ भी मिल सका। आज मोदी सरकार पिछड़ों को आरक्षण का लाभ धरातल पर देने का काम कर रही है और पिछड़ों को उनके अधिकार तेजी से मिल रहा है। दिल्ली से हरियाणा होते हुए राजस्थान के लिए गुरुवार को निकली बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान मीडिया से बातचीत में केंद्रीय श्रम और रोजगार और पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि मोदी सरकार ने ओबीसी वर्ग के लिए नीट में 27% आरक्षण दिया, वहीं केंद्रीय विद्यालयों में आरक्षण से 4 लाख बच्चों को लाभ भी मिला। मोदी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को भी संवैधानिक दर्जा दिया ताकि अन्य पिछड़ा वर्ग को वास्तव में आरक्षण का लाभ मिल सके। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर विधानसभा के पाबो ब्लॉक में जम्मू कश्मीर में राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान ग्राम सभा सालाना पौड़ी गढ़वाल के वीर सपूत 16 गढ़वाल राइफल के सूबेदार राम सिंह जी के शहीद होने की दुखद खबर आई है। देश की रक्षा के लिए अमर्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले पौड़ी गढ़वाल के लाल की शहादत को देश शत नमन करता है। वही जैसे सूबेदार राम सिंह की शहादत की खबर गाँव वालों को लगी तो गाँव में लोगों में शोक की लहर दौड़ पड़ी। सूबेदार राम सिंह भंडारी 30 साल की सेवा के बाद फरवरी 2022 में सेनावृत होने वाले थे और उनका परिवार वर्तमान में मेरठ में रहता है। ऐसे में शहीद भंडारी के परिवार में पत्नी 2 बेटियां और 1 बेटा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सूबेदार राम सिंह की शहादत पर शोक जताया है और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आशुतोष नेगी, पूर्व शिक्षा मंत्री मैथानी ने भी, डॉक्टर रजनी रावत ब्लॉक प्रमुख पावो ने भी जवान की शहादत पर दुख जाहिर किया है। बता दें श्रीनगर विधानसभा के पावो ब्लॉक में जम्मू कश्मीर में राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान ग्राम सभा सालाना पौड़ी गढ़वाल के वीर सपूत 16 गढ़वाल राइफल के सूबेदार राम सिंह के शहीद होने की दुखद खबर आई है और बता दें इस खबर के बाद से ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी है और परिवार का भी रो रो कर बुरा हाल है। और बता दें शहीद का परिवार मेरठ में रहता है और ऐसे में आम आदमी पार्टी हो चाहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो, सभी ने शहीद की शहादत पर दुख व्यक्त किया है। आज हमारे मेरठ में ईसापुरा में जो शहीद हुए हमारे जो उत्तराखंड के श्रीनगर विधानसभा पावा ब्लॉक सलाना गांव के जो राम सिंह भंडारी जी, उनके जो अत्यंत हमें ये दुख का विषय है और इस दुख के विषय हम उनके परिवार के साथ हम खड़े हैं और ऐसे लाल जो हमारे
देश के लिए शहीद हो गए, उनको हमारा सत सत प्रणाम प्रणाम। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश हो रही है, और ऐसे में बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय बैठक में भारत ने दो टूक कहा है कि आतंकवाद किसी भी रूप में और इसका दोहरा चरित्र बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यूएनएसई में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवादी गतिविधियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरे के विषय पर बोलते हुए कहा कि कुछ देश ऐसे हैं जो आतंकवाद के खिलाफ काम करने के सामूहिक प्रयास को कमजोर कर रहे हैं। यूएनएससी में विदेश मंत्री ने कहा कि हमारे पड़ोस में आईएसआईएल और एक्टिव हो गया है और ये लगातार अपने पैर फैलाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में घटित घटनाओं ने स्वाभाविक रूप से वैश्विक चिंताओं को बढ़ा दिया है। भारत आतंकवाद से संबंधित चुनौतियों और नुकसान से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है। ऐसे में विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया को आतंकवाद की बुराई से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। भारत का रुख स्पष्ट करते हुए जयशंकर ने कहा कि भारत मानता है कि आतंकवाद को किसी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय समूह से ही जोड़ना चाहिए। आतंकवाद के सभी रूपों अभिव्यक्तियों को की निंदा की जानी चाहिए और इसीलिए किसी भी तरह उचित नहीं ठहराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे देश हैं जो आतंकवाद से लड़ने के हमारे सामूहिक संकल्प को कमजोर करते हैं और इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। खुरासान has become more energetic and is constantly seeking to expand its footprint. This should be taken seriously. Events unfolding in Afghanistan have naturally enhanced global concerns about their implications for both regional and international security. The heightened activities of the proscribed Haqqani network justifies this growing anxiety. Whether it is in Afghanistan or against India, groups like Lashkar-e-Toyba and Jaish-e-Mohammed continue to operate with both impunity and encouragement. It is therefore vital that this council does not take a selective, tactical, or even a complacent view of the problems we face. We must never countenance sanctuaries for terrorists or overlook the raising of their resources. And when we see state hospitality being extended to those with innocence blood on their hand, we should never lack the courage to call out this double speak. इस बुलेटिन में फिलहाल तो इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।